हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल इंजीनियर्स 07 यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट टाइल फॉर अ फ्लोर, यानी कि फ्लोर के लिए हमें टाइल कैसे कैलकुलेट करना है और कितनी क्वांटिटी उसकी लेना है और क्रिएट क्वांटिटी कैसे लेना है, इस बारे में आपको फुल डिटेल बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे क्या है नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आता हूँ अपने टॉपिक की ओर, कैलकुलेट टाइल फॉर अ फ्लोर, यानी कि फ्लोर के लिए हमें टाइल कैसे कैलकुलेट करना है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखा गया है कि जो स्क्रैचिंग होती है यहाँ पास साइड में 4 इंच की जो दी जाती है, उसको लोग कैलकुलेट नहीं करते, उसका कैलकुलेशन नहीं करते, जिससे हमें कि यह टाइल साइड पे कम पड़ जाती है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो कि मतलब कि जैसे कि कॉन्ट्रैक्टर वगैरह का काम करते हैं या जो भी, या लोग बिना कॉन्ट्रैक्टर के ही अपना काम करवा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ये लोग पूरी वीडियो देखें और मैं आता हूँ अब अपने टॉपिक की ओर। तो यहाँ पे हमारा गिवन डाटा क्या है, यहाँ मैं एक रूम के लिए आपको मैं बताऊँगा। तो आप पहले ये फिगर समझ लीजिए जिसमें आपको बताऊँगा। तो ये हमारा एक रूम है, ठीक, इसमें हमें टाइल्स लगानी है पूरे में, और इसकी लेंथ कितनी है, ये 4 मीटर ये लेंथ है, ठीक, ये भी 4 मीटर है, और उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक 6 मीटर है, और यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि 6 × 4 का ये मीटर का ये कमरा है, ठीक, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये डोर का एरिया है। देखना डोर की साइज़ क्या होती है, वो तो आपको पता है, ठीक। तो ना पता हो तो यहाँ गिवन डाटा मैं अभी शो कर आपको दिखा देता हूँ। तो गिवन डाटा ये, चलिए नोट दिखा देता हूँ क्या क्या है। साइज़ रूम क्या है, 6 × 4 मीटर, ये मैंने जो आपको दिखाया, ठीक। उसके बाद साइज़ ऑफ टाइल, हमें साइज़ ऑफ टाइल जो भी हमारी साइट पर होगी वो हमें नोट कर लेना, जो भी मतलब कि मार्केट से ख़रीदने वाले हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेशन करना है। ये तो रूम के साइज़ वो तो आप अपना नाप लेंगे, लेकिन टाइल्स का साइज़ भी आपको नाप लेना है, क्योंकि टाइल्स मार्केट में कई मतलब के साइज़ में आती है, छोटी आती है, बड़ी आती है, मीडियम साइज़ की आती है, तो इस तरह साइज़ के हिसाब से उसका आपका कैलकुलेशन करना है। और उसके बाद क्या है, डोर साइज़। डोर साइज़ अब यहाँ पे देखिए, विंडो कैलकुलेशन नहीं करना, क्योंकि विंडो दवाई ऊपर साइड होती है, उससे हमें मतलब नहीं है। तो डोर साइज़ हमारी क्या है, 2.1 मीटर × 0.9 मीटर, ठीक। तो ये हमारा गिवन डाटा हो गया। अब इसके बाद हम एरिया रूम का कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ द रूम क्या होगा हमारा, 6 × 4, यानी कि ये लेंथ और ये लेंथ का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एरिया रूम का आ जाएगा। तो 6 × 4 हो गया, तो इक्वल टू कितना हो गया, 24 मीटर स्क्वायर। तो ये रूम का हमारा एरिया ये इतना कितना आ गया, 24 मीटर स्क्वायर, ये मिल गया हमें। अब एरिया ऑफ वन टाइल, यानी एक टाइल का हमें एरिया निकालना, जो हमारी ये टाइल की साइज़ है उससे एक टाइल का हमें एरिया निकालना। तो एरिया ऑफ वन टाइल इक्वल टू क्या होगा, 0.3 × 0.3, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 0.09 मीटर स्क्वायर, यानी कि एक टाइल्स का हमें एरिया मिल गया। अब इसके बाद क्या करना होता है कि हमें एक टाइल के एरिया से टोटल एरिया में हम डिवाइड कर देते हैं, तो उससे हमें अभी नहीं करना, अभी हमें पैरामीटर लेना है रूम का, किस लिए, क्योंकि जो स्क्रेचिंग यहाँ प्रोवाइड करनी है हमें, उसमें टाइल्स क्या क्वान्टिटी होनी है वो भी हमें कैलकुलेट करना होता है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया। तो पैरामीटर ऑफ द रूम ले लेते हैं, क्या होगा, 6 + 6 ये वाली लेंथ, ठीक, फिर +4 ये वाली लेंथ, 4 हो गई, ठीक, उसके बाद +6 ये लेंथ, ठीक, उसके बाद +4 ये वाली लेंथ। अब इसमें से हमें माइनस कर देना है डोर विड, यानी कि रूम की जो चौड़ाई मतलब कि सॉरी जो कि हमारी डोर यानी दरवाजे की जो चौड़ाई होगी यहाँ से लेके यहाँ तक की डोर की विड जो होगी वो माइनस कर देंगे। तो यहाँ से लेके इस पॉइंट तक, यानी कि ऐसे घूमते हुए ये पूरी यहाँ तक की लेंथ, ये लेंथ हमें माइनस कर देनी है डोर की, ठीक। तो इसको अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं, डोर विड हमारी कितनी है, 0.9 मीटर, ठीक। तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, पहले 20 आ गया, ठीक, डोर विड कितनी है, 9, तो 20 - 9 इक्वल टू हो जाएगा 19.1 मीटर, ठीक। तो ये पैरामीटर ऑफ द रूम हमारा क्या आ गया, 19.1 मीटर। अब इसके बाद हमें स्केचिंग लेना है रूम की, ठीक, तो वो हमारी कितनी होगी मैं आपको अब दिखाता हूँ। स्केचिंग हमारी कितनी, 4 इंच, इसको हमें कन्वर्ट कर लेना किस में, मीटर में, क्योंकि हमने जो भी कैलकुलेशन अब तक किया है वो सारा हमने मीटर में किया है। तो 4 इंच को मीटर में कन्वर्ट करेंगे कितना आ जाएगा, 0.1016 मीटर। इसको हमने कैसे कन्वर्ट किया है, यूनिट कन्वर्जन की वीडियो हमारी एक है, इसके लिए डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूँगा, उसको जाकर देख लीजिए तो आप समझ जाएंगे, और जिनको आता है तो वो फिर कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन जिनको नहीं आता वो बाद में देख लेंगे, ठीक। तो आता हूँ अपने टॉपिक की ओर। अब इसके बाद हमें करना क्या है, स्केचिंग का एरिया यानी कि जो स्केटरिंग जो हमने यहाँ पे देंगे चारों साइड मतलब कि यहाँ यहाँ पे, उसका एरिया कैसे निकालना है मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो हमारा स्केचिंग एरिया कैसे होगी, 19.1 यानी कि पैरामीटर ऑफ रूम, ठीक, इनटू
जो हाइट होगी इसकी, ठीक, स्केचिंग की, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा स्केचिंग एरिया निकल आएगा। तो स्केचिंग में 19.1 × 0.1016, ठीक, स्केचिंग की जो हमारी हाइट थी, ठीक, उससे मल्टीप्लाई कर दिया तो 1.94 मीटर स्क्वायर स्केचिंग एरिया आ गया, ठीक। अब इसके बाद टोटल एरिया हमारा कितना हो जाएगा जिसमें हमें टाइल्स हमें प्रोवाइड करना है, क्योंकि बहुत लोग यहीं पर टोटल एरिया मान लेते थे, ये जो पहले दिखाया मैंने वही गलती हो जाती थी। तो टोटल एरिया मैं आपको दिखाता हूँ कितना होगा, टोटल एरिया इक्वल टू हो जाएगा 24, ये वाला एरिया, ठीक, ये एरिया ऑफ द रूम जो हुआ, ठीक, उसके अंदर में प्लस कर देना क्या, स्केचिंग का एरिया, ठीक, स्केचिंग का एरिया प्लस कर देंगे तो 1.94 प्लस कर दिए 24 में तो आ गया 25.94 मीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया ये हमारा हो गया जिसमें हमें टाइल्स प्रोवाइड करना, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ इसको ध्यान रखिएगा, ठीक, इतने में हमें टाइल्स प्रोवाइड करना है, हमें गलती नहीं करना, इस तरीके से हमें टाइल्स प्रोवाइड करना। बहुत से लोग ये एरिया से ही कैलकुलेशन कर देते हैं, ये बहुत गलती होती है। तो फ्रेंड्स अब हमारा नंबर ऑफ टाइल्स कितना होगा, जो हमारा टोटल एरिया आया स्केचिंग के प्लस स्केचिंग लेने के बाद कितना था 25.94, ठीक, उसमें वन टाइल का एरिया हमारा कितना आता है 0.09 मीटर, उससे हम डिवाइड कर देंगे, ठीक। तो उसके बाद आएगा 288.22 नंबर्स ऑफ टाइल, ठीक, ये टोटल हमारे टाइल्स की रिक्वायरमेंट होगी। अब यहाँ पर हमारा क्या होता है कि और अगर हम कैलकुलेशन क्लियर करना चाहते हैं तो हमें वेस्टेज भी लेना होगा, और वेस्टेज कितना होता है 5%, यानी कि इसमें जो हम मतलब कि काटते हैं साइज़ के लिए एडजस्ट करने के लिए कॉर्नर वगैरह पे या जो भी मतलब बीच में कुछ भी आ जाता है तो उसके वजह से 5% हमारा वेस्टेज हो जाता है लगभग। तो 5% में वेस्टेज क्या करना होगा, इसमें इंक्लूड करना होगा, प्लस करना होगा, ठीक। तो टोटल नंबर ऑफ टाइल हमारा कितना हो जाएगा 288.22 × 5%, ठीक, इसका 5% ये प्लस नंबर ऑफ टाइल्स हमारा कितना था 288.2, ये हम ले लेंगे, इसको इसको हम प्लस कर देंगे, ठीक। तो हमारा इसका 5% कितना आएगा 14.41, ठीक, ये हो गया। इसके बाद ये हमारा टाइल्स कितनी नंबर थी रिक्वायर्ड 288.22, इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो आ जाएगा 302.33। तो इसको अब हम क्या कह सकते हैं 303 टाइल, यानी हमारी टोटल रिक्वायरमेंट जो होगी 6 × 4 रूम की वो कितनी होगी 303 टाइल्स, ठीक। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर एक नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।